नमस्कार फ्रेंड्स, आपका बहुत स्वागत है मेरा आपके चैनल ओपी के मैट्रिक्स में। तो फ्रेंड्स, अपनी आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अगर आप खेलते हो बीजीएमआई स्पीड ड्रिफ्ट करके एक नया इवेंट आया है 1 तारीख को। जी हाँ भाई, आज जो एक नया इवेंट आया हुआ है ये मैं अभी आपको स्पिन करके भी दिखाऊंगा, इसकी पूरी जानकारी एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे, और इसके साथ साथ आपको इसकी ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि इसमें एक्सीलरेशन के लेवल होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ, ऐसे करके 8th लेवल तक है। ठीक है, और अगर आप जिस लेवल तक जितने आगे जाएंगे उस हिसाब से आपको जो है रिवॉर्ड मिलेंगे। ठीक है, और अगर आपको ये लक्की वाउचर मिलते हैं तो लक्की वाउचर से आप ये कपड़े वगैरह ये सारी चीज़ें जो है रिडीम भी कर सकते हैं। और अगर आपको एस्टन मार्टिन ने जो गाड़ी है उसकी बात करूँ तो आप उसको देख सकते हैं। आपकी अगर 7th या 8th लेवल तक पहुंचती है मतलब एक्सेलरेशन, तो आपको कौन सी गाड़ी मिलेगी। ठीक है, आपको ये वाली एस्टन मार्टिन मिलेगी, और पहले तो नॉर्मल मिलेगी, अगर आप पे 3 कार्ड निकलते हैं तो 3 कार्ड में आपको जो है पिंक वाली मिलेगी। आप कोई सी भी जो है इसमें खोल सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे हैं लेवल के हिसाब से, ओके 7th और 8th जो है मेन लेवल है। अगर आपको गाड़ी लेनी है सच में तो आपको 7th और 8th लेवल तक जो है पहुँचना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं 60 UC लगाता हूँ। ठीक है, जब मैं 60 UC लगाता हूँ तो फिर मेरा जो लेवल है गाड़ी का वो 1 तक ही पहुंचता है। ओके, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे 2 तरीके के एक्सीलरेशन आएंगे। अब आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, एक होगा नॉर्मल एक्सीलरेशन, एक होगा एक्सीलरेशन सेफ्टली। ठीक है, एक्सीलरेशन सेफ्टली अगर हम करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे हमारी जो स्पीड है वो माइनस नहीं होगी निकले। अगर हम नॉर्मल एक्सीलरेशन करेंगे तो हमारे पास चांस होंगे माइनस होने के भी, प्लस होने के भी। तो आप देख सकते हैं मेरी एक्सीलरेशन स्पीड जो है माइनस हो गई है, और भाई वो माइनस होने की वजह से मुझे यहाँ पे कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिला है। ठीक है, अगर मैं एक्सीलरेशन सेफली करता तो मेरी जो रैंक है वो आगे जाती, लेकिन उसमें यूसी खर्च होती। और नॉर्मल एक्सीलरेशन में क्या होता है, यूसी खर्च नहीं होती है, बस रैंडम चांसेस होते हैं। आप आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं लेवल। अब आते हैं इसके दूसरे इवेंट पे। ठीक है, जो दूसरा इवेंट है वो इसी के अंदर है। यहाँ पे आप बॉक्स देख रहे होंगे, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो मैं आपको बता दूँ इस इवेंट में कुछ भी नहीं है। आप जितनी यूसी खर्च करेंगे उतना इसमें काउंट होगा। जैसे कि मैंने 60 UC खर्च की है, यहाँ पे 60 काउंट हो रहा है। ठीक है, अगर मैं 2400 कर देता तो मुझे 16 लक्की वाउचर मिलते, और अगर मैं 18000 UC खर्च कर दूंगा तो 375, मतलब जिस हिसाब से मैं यूसी खर्च करूंगा वो वाला इवेंट इसमें जो है कंप्लीट हो जाएगा और मुझे लक्की वाउचर जो है मिलेंगे। कुल मिला के भाइयों, मैंने आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करा, जितनी ट्रिक थी सब बता दिए, दोनों इवेंट भी एक ही वीडियो में समझा दिया। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ लाइक।